तमिलनाडु में 2024 के आम चुनाव के लिए सभी 39 लोकसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है और सुबह 9 बजे तक 12.55% मतदान दर्ज किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन ने यहां एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं रजनीकांत समेत अन्य प्रमुख हस्तियों ने सुबह सुबह मतदान किया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ईके पालीस्वामी ने अपने गृह जिले सलेम में एक मतदान केंद्र में वोट डाला। प्राधिकारियों ने लोगों को बूथ के भीतर स्मार्टफोन मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं और अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। श्री पेरुबंदुरु के समीप 1000 से अधिक मतदाताओं वाले परंदूर गांव में लोग सुबह 9:30 बजे तक भी मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे। परंदूर समेत कुछ गांवों के निवासी अपने क्षेत्र में एक हवाई अड्डा परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में लोग सुबह 6:30 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जुटने लगे हैं। मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 190 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। तिरुवल्लुरु में कटुप्पुपल्ली जैसे कुछ मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा है। साथ ही श्री पेरुम्बदूरु लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तरम्बरा के समीप एक मतदान केंद्र तथा कुछ अन्य मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी खामी के कारण मतदान में करीब 1 घंटे की देरी हुई है।